खबर पंचकुला से, जहां पर पुलिस ने आंखों से मिर्ची डालकर ऑटो स्नैचिंग की वारदात का 24 घंटे में खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान गुरविंद उर्फ गुरी सुखजिंद्र और लाड़ी अर्शदीप उर्फ अर्श गुरमानजीत सिंह उर्फ नूर के रूप में हुई है। मामले में आगामी कार्रवाई डिटेक्टिव स्टाफ पंचकुला की टीम के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से स्नैचिंग की वारदात को खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से स्नैचिंग किया हुआ ऑटो बरामद किया और आरोपियों को कल माननीय पेश अदालत रिमांड पर लिया जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया 29 जून को खत्म हो गई है और 18 जुलाई को चुनाव में विधायकों और सांसदों द्वारा मतदान किया जाएगा। इसी बीच राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज चंडीगढ़ पहुंची, जहां वही बीजेपी जेजेपी और सरकार के सहयोगी निर्दलीय विधायकों से वोट की अपील करेंगी। द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के सांसदों से भी मिलेंगी और उनके पक्ष में वोट करने की अपील करेंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी चुनावी मैदान में हैं। चंडीगढ़ पहुंचने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखंड और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। खबर पंचकुला से है, जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक व रिसाइकल्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और सरकार की नियमों की अवहेलना करने वालों पर नकेल कसते हुए पंचकुला नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को कमिश्नर धर्मवीर सिंह की अगुवाई में पंचकुला की अलग अलग मार्केट में चालान काटे। इस दौरान निगम की टीम ने कुल 16 चालान काटे हैं और इसके साथ ही दुकानदारों का सामान भी जब्त किया है। नगर निगम की टीम ने कुल 1,50,500 रुपये के चालान काटे हैं। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक व रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने सामान की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज इंपोर्ट एवं उपयोग कर सरकार ने 1 जुलाई से रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भी पंचकुला के बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस बारे में जब नगर निगम कमिश्नर श्री धर्मवीर सिंह को सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत अपनी अगुवाई में 5 टीमों का गठन किया। खबर गुरदासपुर से है, जहां पर जिला गुरदासपुर की दीनानगर थाने की पुलिस टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने गुरदासपुर के पास पनियाद गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकेबंदी के दौरान 16 किलो 800 ग्राम हेरोइन के साथ दो गाड़ियों में सवार चार लोगों को गिरफ्तार किया। हेरोइन जम्मू से लाई जा रही थी और तरन तारण और अमृतसर जिलों में ले जाया जा रहा था। एसएसपी गुरदासपुर हरजीत सिंह ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि मुखबिर खास ने जानकारी दी थी कि जम्मू से दो इनोवा वाहन आ रहे हैं जिसमें हेरोइन की खेप लाई जा रही है। गुरदासपुर पुलिस की स्पेशल सेल टीम है जिन्हें के डीएसपी कलानौर मिस्टर नागरा उन्हां दी अगवाई च उन्होंने 4-5 दिन की पूरी मेहनत तो बाद जिहड़ा हैगा नशा तस्करां नूं काबू किया। ये चार व्यक्ति ने जिहड़े के सराय अमानत खां तरन तारण के रहण वाले हैं और इन्हां तों दो इनोवा गड्डियां जिहड़ियां के ये यूज़ कर रहे सीगे नशा तस्करी वास्ते वो बरामद कीतियां ते 16 किलो ते 800 ग्राम दे करीब पैकिंग सहित जो नशीला पदार्थ हैगा वो बरामद कीता। अगे भी काम करते सीगे पहली वारी कीता काम सर कीता नहीं। किन्नी है रिंग किन्नी थी सर? 16 किलो। कितों लेके आ रहे सर? जम्मू। और लेके किते जा रहे सर? चीमा अपना ही जा रहे।
ਜੰਮੂ ਖਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ? ਸਰ ਆਸ ਪਾਸ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕਾ ਸਨੂਰ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਰ? ਤੀਜਾ ਫੇਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਚ ਦੇਣੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸਰ? ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਲਕੀਤ ਕੌਣ ਆ?